हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मायोनीज सैंडविच की रेसिपी, जिसमें हम बहुत सारी सब्जियाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि बच्चों को फ्रेंड्स सब्जियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें बहुत मुश्किल होता है सब्जियाँ खिलाना। तो हम सैंडविच के थ्रू आप इसमें सब्जियाँ डाल के इसे बनाएं और आप बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि ब्रेड की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है। और अगर ये टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, और अगर और आपको सुबह सुबह जो टिफ़िन में क्या दे उसकी टेंशन लगी रहती है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे। बड़े बाउल में मैंने एक दो मीडियम साइज़ का गाजर मैंने कद्दूकस करके लिया है। फ्रेंड्स, आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने कलरफुल शिमला मिर्च लिया है, ये रेड शिमला मिर्च है। मैंने आधा ही यूज़ किया उसे फाइनली चॉप करके। ये मेरा येलो शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने आधा ही यूज़ किया है फाइनली चॉप करके। ये आधा मेरा हरा मिर्च, हरा शिमला मिर्च है फ्रेंड, जिसे मैंने फाइनली चॉप करके लिया है। और ये मेरा है कुकुम्बर यानी खीरा, उसके बीज वाले हिस्से को मैंने निकाल दिया है और इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। और इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी, मैंने वो भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। ये सारी सब्जियां अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और अपने पसंद का आप इसमें और भी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न भी उबाल के आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें लगेगा 1 कप जितना मेयोनीज। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि कहा कि आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मेयोनीज को मैंने डाल दिया है 1 कप और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा अगर चीज़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें मेयोनीज और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना चीज़ी होगा बच्चे आपके उतने पसंद से इसे खाएंगे। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। मैंने एक बड़ा चम्मच यूज़ किया है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने ऑरिगेनो डाला है, एक छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, और मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है। और अब इन सबको हम आप अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं हर चीज़ को, जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस क्वांटिटी में आप यूज़ करें। अब मैंने अच्छे से सबको मिक्स कर दिया है, तो ये मिक्स हो गया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है ब्रेड, आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने अब इसके ब्राउन मैंने वाइट ब्रेड यूज़ किया है। इसके किनारे का पोर्शन हम कट करके निकाल देंगे। आप चाहे तो ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया है अब दो ब्रेड को कट करके। अब इसमें हम डालेंगे मिक्सचर जो हमने मेयोनीज के साथ मिला के बनाया है, तो हम इसमें ज़्यादा फिल करेंगे। इससे क्या होता है कि सैंडविच का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके ऊपर भी एक ब्रेड लगाएंगे और थोड़ा हम इसे दबा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, अलग ना हो पाए। अब हम एक पैन डालेंगे तवे को और इसे हम घी से ग्रीसिंग करेंगे। आप चाहे तो बटर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे पैन की, और अब हमने जो सैंडविच वाला पोर्शन हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा दबा दबा के डालेंगे ताकि ये अच्छे से निकले ना। अगर आप फ्रेंड्स अगर आपके पास सैंडविच पॉट है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, ग्रिल है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब उसके ऊपर हम बटर लगा देंगे, क्योंकि नीचे के साइड से हमने बटर तो लगा दिया है, अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ भी लगा देंगे। हम दोनों ही ब्रेड में ऐसा करेंगे, थोड़ा दबा दबा के सेकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ब्रेड का दोनों पोर्शन अच्छे से लाल हो जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो हमने घी लगा दिया है, अब हम थोड़ा दबा दबा के सेकेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब लाल होने के बाद अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये दोनों तरफ से अच्छे से लाल हो गया है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। आप कट अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस शेप में आप कट करना चाहते हैं वो शेप में आप इसे कट करें। तो मैं इसे ट्रायंगल पोर्शन में कट कर रही हूँ, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है फ्रेंड, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, और ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का, क्योंकि बच्चे जल्दी सब्जी नहीं खाते। और अगर आपको डेली सुबह
टिफिन का भी टेंशन होता है, तो ये रेसिपी से आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और आप अंदर से देख सकते हैं कितना कलरफुल दिख रहा है, कितना चीजी दिख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से नई इजी और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।